ईशा ने उठाया ऐश्वर्या और नील के गेम पर सवाल। ईशा ने दी मन्नारा को ये एडवाइस। वेल, सलमान खान का शो बिग बॉस सीजन 17 के लाइव फीड में हमें देखने को मिला गार्डन एरिया में अंकिता, ईशा, मन्नारा और विक्की आपस में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं, जहां पर ईशा मन्नारा को ये समझाती हुई नजर आती है कि ये शो ऐसा है जो अनफिल्टर्ड है। हमें शो के अंदर मेकअप में भी दिखाया जाता है, बिना मेकअप में भी दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें वीकेंड के वार में दिखाया जाता है जब हम बहुत ही ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव दिखते हैं। ये शो ऐसा है कि हमारी कोई भी फुटेज दिखाई जा सकती है, तो हमें हर वक्त अपना 100% इस शो में देना होता है। लेकिन कई कंटेस्टेंट्स घर के अंदर ऐसे हैं जिनका मुझे इन्वॉल्वमेंट जीरो देखने को मिला। ईशा यहाँ पर ये भी कहती हुई नजर आई कि मैंने हमेशा इस शो में अपना 100% देने की कोशिश की है, इस शो में बने रहने के लिए। लेकिन सडनली अगर कोई ऐसा इंसान मेरे सामने आता है, यहाँ पर ईशा कहती हुई नजर आती है कि लेकिन अगर सडनली मेरे सामने कोई ऐसे कंटेस्टेंट्स आते हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट घर में और गेम में बहुत ही ज्यादा कम है, और अचानक से वो मुझसे बेफिजूल की बातों पर लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो इसको तो मैं गलत कहूंगी। वेल, यहाँ पर ईशा नील और ऐश्वर्या के बारे में बातचीत कर रही होती है। ईशा ये भी कहती हुई नजर आई कि ऐश्वर्या और नील को जो फीडबैक मिला है उसके बाद उन्होंने अपने पूरी चीजों में सिर्फ एक चीज ऐड कर ली है, लड़ाई झगड़े, कि देखो हम भी दूसरे कंटेस्टेंट्स की तरह लड़ाई झगड़े कर सकते हैं। वेल, ईशा ऐश्वर्या के लिए कहती हुई नजर आई कि उनका गेम में बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वो किसी भी चीज में अपना 100% देने की कोशिश नहीं करती, लेकिन अब उन्हें जो फीडबैक्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से उन्होंने सोच लिया है कि उन्हें सिर्फ इस घर में चीखते और चिल्लाते रहना है। ईशा एक इंसिडेंट भी बताती है कि कल रात में जब वो कुछ सामान लेने के लिए उस जगह पर गई जहाँ पर ऐश्वर्या और नील बैठकर उसी के बारे में बातचीत कर रहे थे, जैसे ही ईशा पहुंची वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। वेल, ईशा कहती हुई नजर आई कि अगर मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ और सडनली वहाँ पर वो इंसान आए तो मैं तो अपनी आवाज दुगनी कर लूंगी, ताकि वो इंसान मुझसे पूछे कि तुम मेरे बारे में बात क्यों कर रहे हो और मैं उन्हें बता सकूं कि तुम ऐसे हो इसलिए मैं तुम्हारे बारे में बातें कर रही हूँ। वेल, आपका ईशा की ऐश्वर्या के लिए कही इन बातों पर क्या कुछ है कहना, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।